जैसा कि हम सब हर दिन इस तरह की खबरें सुनते हैं कि कर्ज के कारण व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, लोग पूरे परिवार को कर्ज के कारण समाप्त कर रहे हैं। सरकार के ही आंकड़े हैं कि पिछले 5 वर्ष में कर्ज के कारण 50,000 से अधिक लोग आत्महत्या कर चुके हैं। अकेले पिछले वर्ष में ही 20,000 से अधिक लोगों ने कर्ज के कारण परेशान होकर आत्महत्या की है। जनता की इसी समस्या को देखते हुए शाहनवाज चौधरी भारती और उनकी टीम ने जुलाई 2022 से देश के सभी राज्यों में ऐसे लोगों की जानकारी इकट्ठा करके सरकार तक पहुंच रहे हैं जो कि कर्जे के कारण परेशान हैं। अभी तक 7 बार वित्त मंत्रालय तथा 7 बार प्रधानमंत्री कार्यालय को ऐसे लोगों की जानकारी भेजी जा चुकी है जिन्होंने बताया कि नोटबंदी, GST और लॉकडाउन के कारण उनका व्यापार बंद हो जाने या नौकरी छूट जाने के कारण वे कर्ज के दलदल में फंसे हैं। कर्जे के दलदल में फंसे लोग चाहते हैं कि या तो सरकार किसानों और बड़े उद्योगपतियों की तरह उनका भी कर्ज माफ कर दे। वहीं चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार से ये 3 मांगे हैं, जिनमें पहली मांग है कि वो लोग जो नोटबंदी, GST या लॉकडाउन के बाद उनका व्यापार बंद हो जाने या नौकरी छूट जाने के कारण कर्जे के दलदल में फंसे है, ऐसे आम लोगों का लोन माफ किया जाए। दूसरी मांग के तहत जिन लोगों का लोन माफ ना किया जा सके उन्हें कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाए। जैसे अभी अदानी के 12,770 करोड़ का लोन अंडरराइट किया गया, उसी तरह आम व्यापारियों का, नौकरी करने वाले साधारण लोगों का भी लोन भरने के लिए कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाए। तीसरी मांग के अनुसार जो लोग अब दुनिया में नहीं रहे और उनके परिवार के पास कमाई का कोई भी साधन नहीं बचा है उनका पूरा लोन माफ किया जाना चाहिए। अभी तक 6.5 लाख से अधिक लोग इस निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़ चुके हैं। अभियान में जुड़े लोगों को कर्जे से बाहर निकालने की निःशुल्क ट्रेनिंग भी दी जा रही है तथा उनके साथ बातचीत करके उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने से रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। अभी तक हम लोग 50,000 से अधिक लोगों को आत्महत्या करने से बचा चुके हैं, ऐसा शाहनवाज चौधरी ने बताया। हम लोग कर्जा मुक्ति अभियान को पिछला 1 साल हो गया, हमने जुलाई 2022 से आंदोलन कर रहे हैं। जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं वो लोग बहुत मतलब अब ना किश्त चुका पा रहे हैं, साहूकार लोग परेशान कर रहे हैं, बैंक वाले लोग परेशान कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को संसद तक पहुंचाया जाए। हमने सभी सांसदों को पत्र भी भेजे कि सांसद लोग जवाब दें और संसद में वित्त मंत्री को सवाल पूछा गया, सांसद ने जवाब भी दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या, समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है और लोग सरकार में बैठे लोग सुनने को तैयार नहीं, तो उनको सुनाने के लिए हम लोग आए कितने लोग परेशान हैं और उनको सबको कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं जिनकी फाइल वित्त मंत्रालय गई है, उनको फाइल नंबर दिया जाए। कितने सालों सर आंदोलन कर रहे हैं आप इस मुद्दे को लेकर? एक साल हो गया और अभी लाखों लोगों की संख्या में लोग जुड़ गए हमारे साथ, लगभग 7 लाख लोग जुड़ चुके हैं। प्रशासन तो करेगी, प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं, कई दूसरी पार्टी के लोग भी आए हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं कार्यक्रम। क्या लगता है सरकार इस मुद्दे को उठने नहीं दे? सुनना चाहिए सरकार को क्योंकि समस्या गंभीर है। व्यापारी तो देखिए जो सरकार सत्ता में बैठी है उनका कोर वोटर व्यापारी है, तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो सुने, लेकिन अगर नहीं सुनेंगे तो वो देखेंगे कैसे करना है। उनके सरकार का क्या रवैया है, कुछ आश्वासन? सरकार थोड़ा नहीं, मुझे तो आश्वासन नहीं दे रही, लेकिन वित्त मंत्री ने सदन में तो बोला ही है, कानून भी है, लेकिन कानून का पालन कौन कर रहा है? ना रिकवरी वाले कर रहे हैं, ना बैंक वाले कर रहे हैं, ना साहूकार कर रहे हैं, पालन कोई भी नहीं कर रहा। आज रामलीला मैदान से क्या चेतावनी और क्या है? मैंने चेतावनी दी है सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को, सभी राष्ट्रीय पार्टियों के मिलने जाना है मुझे अगले 1 महीने में। अगर वो जनता की कर्जा माफी का समर्थन नहीं करेंगे तो फिर हम उम्मीदवार उतारेंगे उनके खिलाफ, वो लोग, वो सांसद या वो पार्टियां जो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारे जाएंगे। ठीक है। NBC News के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।